जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाने वाली है तो वो आखिरकार कब, कितने बजे से और कहाँ लाइव देख सकोगे, और साथ में कौन भारतीय टीम का कप्तान होने वाला है और क्या प्लेइंग 11 टीम आप सभी को दिखाई देगी। तो आपको पूरी डिटेल जानकारी भारतीय टीम से जुड़ी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले BCCI का बड़ा ऐलान किया कुछ ऐसा कि जानने के बाद पूरा भारत देश और रोहित शर्मा के फैंस हो पड़े खुश। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इसके बारे में भी बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के मुकाबले में हारने के बाद टीम इंडिया पर भड़के ये दिग्गज खिलाड़ी, BCCI से कर दी ऐसी बड़ी मांग कि जानने के बाद पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे, तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अभी हाल ही में खेला गया, जहां पर शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की हर जगह आलोचना हो रही है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दौरे पर गई है, जहां पर भारत की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने के बाद अब भिड़ेगी इंग्लैंड की टीम से, जहां पर भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भारत की प्लेइंग 11 टीम और साथ में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को बदलने की लोगों ने काफी ज्यादा मांग करी, जिसके चलते BCCI के लिए काफी अहम फैसला है कि BCCI कप्तान विराट कोहली की जगह पर किसी और को कप्तान बनाए। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जहां एक तरफ लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, लेकिन कप्तान विराट कोहली की गलत स्ट्रेटेजी के चलते भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि भारत का कप्तान रोहित शर्मा को बना देना चाहिए, जिसके चलते इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आप सभी को बदलाव होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी वो अगस्त के महीने में शुरू होगी, जहां पर पहला मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाएगा। और दोस्तों इस मैच का लाइव प्रसारण आप सभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 3:30 बजे से लाइव देख सकोगे। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि दूसरा टेस्ट मुकाबला 12 तारीख को खेला जाएगा, तो वहीं तीसरा टेस्ट मैच 25, और इसी के साथ आगे ये मैचेस कंटिन्यू रहेंगे। तो वहीं दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 टीम के बारे में कि आखिरकार भारत की कौन सी प्लेइंग 11 टीम आप सभी को मैदान पर खेलते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों जो भारत की प्लेइंग 11 टीम होगी उसमें जो टॉप ऑर्डर आप सभी को संभालते हुए नजर आएंगे इस बार, उसमें नाम रखा गया है रोहित शर्मा और शुभमन गिल का एक बार फिर से। तो वहीं मध्यम क्रम में इस बार दोस्तों तीसरे नंबर पर शायद चेतेश्वर पुजारा की जगह पर कप्तान किसी और खिलाड़ी को टीम में मौका दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस बार हो सकता है कि चेतेश्वर पुजारा की जगह पर मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया जाए। तो वहीं चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली होंगे अगर BCCI ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है। तो वहीं पांचवें नंबर पर अजिंक्य रहाणे, छठे नंबर पर ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज को इस बार मौका दिया जाएगा। और दोस्तों यहां पर बुमराह का टीम में से पत्ता भी साफ कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर यही होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि आप सभी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में दिखाई देने वाली है। बाकी अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में, और आप क्या मानते हो, क्या भारत की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतेगी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद 20 दिन की छुट्टी दिए जाने पर भड़के दिलीप वेंगसरकर, कही ये बड़ी बात है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 3 हफ्ते तक का ब्रेक देने की बात कही जा रही है, जहां पर इस फैसले से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान दिलीप बेहद ही हैरान है। दरअसल वेंगसरकर ने कहा कि मेरा मानना है कि खराब तैयारी की वजह से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच गंवा दिया और अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले 3 सप्ताह के लिए छुट्टी पर होगी और ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान खेले गए टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल के लिए उनकी तैयारी जीत के लायक नहीं थी। वेंगसरकर ने PTI से बातचीत करते हुए कहा, मुझे इस चैंपियनशिप की पिछले 2 साल की
अवधि में टेस्ट क्रिकेट देखने में काफी ज्यादा मजा आया। भारत ने इस अवधि में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल मैच के लिए उनकी खराब तैयारी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। टीम इंडिया बिना कोई अभ्यास खेले ही ऐसे इस तरह से अहम मुकाबले को खेलने के लिए मैदान पर उतर गई। तो इसके उलट न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही 2 टेस्ट मैच भी खेल चुकी थी और इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो ऐसे में दोस्तों एक काफी बड़ा बयान इन्होंने दिया। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज अब से कुछ ही चंद दिनों बाद होने वाला है, जहां पर भारत की बी टीम आप सभी को श्रीलंका के खिलाफ दौरे पर दिखाई देने वाली है। हालांकि दोस्तों इस सीरीज के लिए काफी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का नाम नहीं जोड़ा गया, जैसे कि भारतीय सीनियर टीम के कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी आप सभी को नहीं नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी भारत की सबसे ज्यादा मजबूत टीम चुनी गई है और ऐसे में अब हर किसी को इंतजार है कि भारतीय टीम एक बार फिर से अपना जलवा दिखाए और शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका के परखच उड़ाए। हालांकि दोस्तों अब हम आपको बताएं कि भारतीय खिलाड़ियों ने इस सीरीज से पहले जमकर अभ्यास सत्र में भाग लेना भी शुरू कर दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार जैसे खतरनाक खिलाड़ी भी मैदान पर बल्लेबाजी अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा डिफेंस करते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन्होंने एक छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या को तूफानी बल्लेबाजी करते हुए देखा, उसके बाद उन्होंने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां दोस्तों, आज हार्दिक पांड्या ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 1 घंटे के अभ्यास सत्र में ही 114 रनों की पारी खेल डाली और दोस्तों अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 बड़े छक्के और 9 चौके लगाए थे। हालांकि दोस्तों हार्दिक पांड्या का साथ दे रहे दूसरे छोर पर खड़े शिखर धवन भी आज तूफानी रंग में नजर आए, जहां पर आज शिखर धवन ने भी अपना जलवा मैदान पर बिखेरा। जी हां दोस्तों, शिखर धवन ने तूफानी रंग अपना दिखाया और उन्होंने आज 78 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 1 छक्का और 5 चौके लगाए थे। पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले नहीं मिलेगा कोई भी प्रैक्टिस मैच। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले डरहम में रिवर साइड मैदान पर 2 मैच खेलेगी, जहां पर 2 इंट्रा स्क्वाड मैच होंगे। और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कप्तान विराट कोहली के खिलाड़ियों को काउंटी टीमों के खिलाफ कोई भी प्रथम श्रेणी अभ्यास मैच मिलने की संभावना नहीं है, जिसके चलते भारतीय कप्तान विराट कोहली 4 अगस्त से नॉटिंगहम में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले कोई भी प्रथम श्रेणी मैच नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त कर चुके अपने खिलाड़ियों को 2 टीमें बनाकर 4 दिवसीय 2 मैच कर सके। आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।